सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर गेम, जिसको अभी पहले बहुत लोग खेला करते थे, बहुत लोगों का फेवरेट गेम अभी भी होगा, लेकिन अब इस गेम को बहुत कम लोग खेलते हैं। लेकिन आज हम लोग फिर से इस गेम की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल से कि हम लोग आज GTA वाइस सिटी खेलने वाले हैं। GTA वाइस सिटी वैसे तो हर किसी को ही पता होता है, लेकिन जिसको नहीं पता, GTA गेम्स की एक सीरीज है जो कि GTA 1 2D गेम से स्टार्ट हुई थी, और GTA वाइस सिटी उसका एक अपडेटेड वर्जन है। तेरे बाप को मत सिखा, चल। और इसमें स्टोरीज होती हैं और इसमें करेक्टर होते हैं, करेक्टर को मिशन मिलते हैं, उसको वो मिशन करने होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो गाइस, GTA Vice City की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह है कि स्टार्टिंग में जो कुछ ना बहुत बड़े गैंग्स ना आपस में डील करते हैं, जो इनलीगल काम करते हैं वो सब जो है ना आपस में डील करते हैं, सही है। तो एक सनी नाम का बंदा होता है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसको वो कुछ खरीदने जाता है, तो वो खरीदने जाते हैं, और वो हमारे करेक्टर जो हमारा करेक्टर होता है टॉमी, उसका एक दोस्त होता है ये कैन, जो कि गाड़ी की मैं पिंक शर्ट पहन के खड़ा हुआ, और ये जो है टॉमी ग्रीन शर्ट पहन के खड़ा है, बैठा है गाड़ी में। सो गाइस, वो जो सनी नाम का बंदा है वो इनको पैसे देता है और कहता है कि डील करके आओ और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये साहब तुम लोगों से लूंगा। टॉमी भी इस काम के पैसे लेकर मान जाता है। सो गाइस, जब वो लोग डील करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ये देखें। सो गाइस, ये जो हेलीकॉप्टर है वो है दुश्मनों का, मतलब दुश्मनों का नहीं, लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर है जिसमें हमसे जो डील करने के लिए बंदे आ रहे हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और हमारे टॉमी और ये लोग डील करने के लिए आपस में बात करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो गाइस, अब सस्पेंस यहाँ पे है कि अब यहाँ ये नहीं पता कि ये इनकी तरफ से गुंडे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी, आई थिंक कोई थर्ड पार्टी होती है जो कि सारा वो भी ले जाती है, और हम लोग दिखाते हैं कि भाई पूरे पैसे हैं, टॉमी दिखाते हैं पूरे डील हो जाती है, तो हम लोग पैसे भी दे देते हैं, और खेतरे में फाइट हो जाती है और सब जो है इधर उधर भाग जाते हैं, और हम लोग भी गाड़ी में बैठ के बड़ी मुश्किलों से निकलते हैं, हमारे दो बंदे मारे जाते हैं। तो गाइस, ये है हमारे दोस्त का ऑफिस, और हमारा जो है एक होटल होता है जहाँ पे हम लोग रुके हुए होते हैं। तो गाइस, अभी तो ये कहता है कि अभी टाइम नहीं है बात करने का, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, और तुम जाके अपने होटल पे चले जाओ, वहाँ पे जाके वहाँ पे जाकर आराम कर लो। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं होटल में जहाँ पे हमने स्टे करा है, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं होटल पे, और होटल भी पास में ही है। सो गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक पहुँचेंगी लेटेस्ट और सबसे मज़ेदार वीडियोस। सो गाइस, ये हमारा होटल है जिसका नाम ओशन व्यू है, तो इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि गेम सेव भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे हमें ऊपर जाना है, तो हम लोग जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। सो गाइस, मैं ऊपर जा चुका हूँ, और वहाँ पे मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है, और मतलब हमारे पुराने दोस्त का फोन आता है, सही। तो गाइस, अगले दिन हो चुका है, और अब जो है मैं जो है अपने कैन के ऑफिस पे चले जाता हूँ, क्योंकि उसका नाम ही कैन ऑफिस है, तो हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं जल्दी से, और उससे बात बात करते हैं कि क्या हुआ भाई मसला, वो उस बंदे के पैसे भी हैं और वो हमसे लेगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो पैसे तुमसे लूँगा, तो अब वो हमसे पैसे लेने वाला है, तो हमें पैसे करने भी चाहिए, और अभी देखें जेब में एक रुपया तक नहीं है, अंडा रुपया बड़ा है। मैं गरीब हूँ, एक रुपया तक नहीं है। हाँ, तो उसका ऑफिस यहीं से है, तो यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी पार्किंग वगैरह के लिए कुछ जगह छोटी बदली थी। अरे सॉरी आंटी जी, देख के चला करो, वैसे वो तो फुटपाथ पे देख के चलनी है, मैं देख के चला नहीं रहा हूँ। चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस, जल्दी से चलते हैं, उससे बात बात करते हैं।
तो गाइस वो भी डरा हुआ है और उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग पैसे कैसे जमा करेंगे, लेकिन उसने बोला है कि एक मैं बहुत अमीर इंसान को जानता हूँ, वो शायद हमारी मदद करे। तो हम लोग चलते हैं जल्दी से उसके पास, तो और देखते हैं कि क्या वो हमारी मदद करेगा। और गाइस वो इतना अमीर है कि उसकी अपने पास अपनी पर्सनल यार्ड है, इतना अमीर बंदा है, उसका घर जो है उसकी यार्ड में है, उसका कोई ऐसा घर नहीं है। ये देख रहे हैं गाइस, ये पूरी एरिया उसी का है और वहाँ पे उसकी पीछे की साइड में पर्सनल यार्ड खड़ी थी। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं उससे मिलने के लिए, और हमें जाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ये कोई बीच बीच है, इसका नाम मुझे नहीं पता। अरे मुझे याद आया, अमीर इंसान है तो पहले अमीरों वाले कपड़े भी तो पहनने चाहिए। मैं उसके घर आ गया हूँ भाई, सिक्योरिटी गार्ड से देख लिया ना, फकीर समझ के भगा देंगे। गजब बेइज्जती है। हमें अच्छे से कपड़े भी लाने पड़ेंगे, तो मैं भूल ही गया। तो कपड़ों की दुकान मुझे पता है पास में ही है, अगली गली में। हाँ सही है, इस गली में था, सीधा जाना अभी। अगर नहीं कोई ठोक वोक नहीं देना, जितना मुझे याद है और कपड़ों की दुकान। हाँ सही है, यहीं पे थी। हाँ कपड़ों की दुकान का नाम था रिफेल्स, याद आ गया। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ और चलते हैं हम लोग जल्दी से कपड़े पहनने। तो गाइस हमारा बंदा अंदर जा चुका है और अंदर से बाहर भी आ चुका है। वाह भाई, अपना अब लग रहे हैं ना हम बिजनेस मैन, और ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग डील वील कर रहे हैं। नहीं हाँ हमारे पास गाड़ी है भाई, हमें बाइक की जरूरत नहीं है। वो बाइक मैंने चलाई हुई है, बहुत फिसलती है, मुझे नहीं चाहिए भाई। इससे अच्छा मेरी ये गाड़ी काफ़ी है। क्या कटिंग मार दी है भाई ये कार, जो बात है। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं वहाँ से उसी लोकेशन पे। तो हम लोग जल्दी से पहुँच चुका हूँ भाई, पुलिस वाला बच गया जैसे वाला। ओ भाई कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, ओ भाई साहब लिमोजीन, आई थिंक ये फरारी है। अरे यार और गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ और थी अच्छी सी। सो गाइस ये रही उसकी यार्ड है, और यार्ड के अंदर वो रहता है। उसके पास कितने सर्वेंट्स है यार, कितना अमीर इंसान है। देखते हैं इससे बात करते हैं हमें अगर मिल जाए तो। सो गाइस वो हाँ उससे बात हुई है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मुझे तो उसके बदले तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। और सबसे पहला काम उसने ये बोला है कि मेरी बेटी को ड्रॉप करना होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। उसके भी पैसे रह गए, हम तो बड़े मिशन करने के लिए पैदा हुए, ये हमें ड्राइवर वाली जॉब कहाँ दे रहे भाई। रिच एंड पावरफुल फादर, अगली गली भाई, अगली गली में ड्रॉप करना है इसको भाई। सही जा रही है भाई। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे, अबे भाई उतार, क्या तुम्हें तो बिल्कुल गेट के सामने उतरना है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। अरे जाओ यार, अरे चलो गाइस फिर हम लोग अपने दोस्त के घर पे ही चलते हैं। अरे वैसे गाड़ी यार बंदे की बहुत तेज है, मजा आ गया यार गाड़ी चला। और गाइस देखा आप लोगों ने, हमें इसको ड्रॉप करने के $100 दे दिए, सिर्फ ये दो गली दूर छोड़ने के $100, कितना अमीर बनता है। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली अपने दोस्त के घर, नहीं ऑफिस, क्योंकि ऑफिस है उसका और यहीं पे वो रहता है, वैसे घर ही कह लो। सो गाइस वो हमें देख के खुश हो गया और वो पूछ रहा है कि क्या वो बात दीदी में बात कर लेता उससे। सो गाइस वो पहले तो उसने पूछा कि क्या हुआ, क्या क्या रहा और क्या माना हुआ। मैंने उसको बता दिया, हाँ भाई उसको बोल रहा है कि हमें मिशन वगैरह करने। मैंने बोला ठीक है चलो, तो सर ठीक है उसके लिए काम कर लेंगे, हमें बस पैसे चाहिए, हमें सनी को पैसे देने। और जो है अब हम लोग जल्दी से चलते हैं। एक जगह उसने बताई है कि वहाँ पे ना एक बंदा है जो कि मतलब एक बंदा है जिसके ना वो उसी का बंदा है, तो हमें उससे पता चलेगा कि आगे का सीन क्या है। तो ये तो हम लोग चलते हैं उससे बात करने चलते हैं। सो गाइस यही वो बंदा है, इससे हम लोग बात कर लेते हैं। सो गाइस मेरी उससे बात हो गई और वो कह रहा है कि एक शेफ है उसको ढूंढो, क्योंकि वो शेफ जो है वो गलत काम करता है और
उसको हमें पकड़ के मारना होगा, क्योंकि वो जो है इनके खिलाफ है और इनको मारने की धमकी वगैरह दे रहा है, और वो शेफ जो है यहीं से सीधा जाके आता है। सो गाइस मैं अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा कर देता हूँ और ये वही शेफ है, मैं उतर के छुपने से जाता हूँ। मेरे पास गन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, मुझे उसको मारना होगा। ये अभी फोन पे किसी से बात कर रहा है, अरे उसने देख लिया मेरे ख्याल से। Hey, what you looking at? दो तीन लाते पड़े गाइस, वो खत्म, उसका फोन हमें चाहिए था, हम लोगों ने उसका फोन ले लिया। सो गाइस यहाँ पे हमने उसका फोन उठा लिया है, और ये कौन आया, ये तो आई थिंक वही बंदा है ना जो हेलीकॉप्टर में बैठ के आया था। जी वही बंदा है वो गाइस, ये हमें हमसे पता नहीं क्या ही कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है ये हमारी कुछ मदद वदद करेगा मेरे ख्याल से, और इन दोनों में कुछ हो गया। ओ भाई ये दोस्त बन गया, हाँ और शेफ्स आ गए। एक सेकंड वो कह रहा है कि मेरे पीछे आओ। अरे इन लोगों से उलझने से अच्छा है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। हाँ भाई कहाँ जाना है भाई। ओ अच्छा इसकी गाड़ी है ये, वाह काफ़ी अच्छी गाड़ी है यार इसके पास। One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. Local gunshot, a couple blocks away. अरे मैं इसके बोलने पे ध्यान दिया मैं टूट गया। ओ अच्छा मुझे कह रहे हैं एमुनेशन पे जाओ, एमुनेशन वही है जहाँ पे गन्स मिलती है, गन्स वगैरह मिलती है, जल्दी से हम लोग चलते हैं एमुनेशन पे। तो गाइस एमुनेशन भी पास में ही थी, मैं पहुँच गया हूँ। और ये थी भाई एमुनेशन, अब क्या करना है बताओ। पहुँचा दिया एमुनेशन पे। अरे ये तो हमें बता रहे हैं कि यहाँ से गन्स वगैरह तुम ले सकते हो, कि मेरे ये कह रहा है कि ये बंदा हमारा जानने वाला है, तो ये यहाँ तुम्हें अच्छी और सस्ती कीमत पे दे देगा, तुम यहाँ से गन्स वगैरह ले सकते हो, लेकिन मिलेंगे मुफ्त में नहीं मिलेंगी ना। हाँ कह रहा है 8 अलग किस्म की गन है, एक तो मुझे 5 ही नहीं है, अगर अनमल को भी मिला दो तो। खैर चलो हम लोग चलते हैं, वो कह रहे हैं वापसी हमें मुझे होटल पर लेके जाओ, वापसी लेके जाओ होटल पर। अच्छा ले जाते हैं चलो, लेकिन हम इसके बाद मान क्यों रहे हैं, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मेरे ख्याल से एपीओ में पैसे देगा तभी मान रहे हम लोग इसी के बाद, हमें तो बस पैसे से मतलब है, बाकी तो हम लोग किसी दुश्मन की बात मान लेंगे। तो हम लोग ये होटल में पहुंच गए, और यहाँ पे हमारा टॉमी ने बड़े खतरनाक तरीके से ब्रेक मारा और अरे ये क्या बोल, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ भाई, हमसे क्यों पंगा ले रहा है, मरेगा मरना तेरे को डर नहीं लगता नहीं। ओ उसने तो मुझे $100 दिया था, उसने $200 दे दिए। तो गाइस रात का टाइम हो गया है और मुझे एक गाड़ी चाहिए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे उसने मुझे बुलाया है। अरे नहीं नहीं पुलिस वाले भैया नहीं पकड़ो, अरे पुलिस वाले ने पकड़ लिया यार, मैंने बंदों को ठोका था, मेरी गलती है, मुझे फोन आ रहा है। Where are you now? You okay, Leo? You sound kind of different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. So है ओके गाइस, जो हमारी बात हो गई, ये फोन उस बंदे के लिए था जिसको हमने मारा था। और गाइस एक बुरी खबर ये है कि पुलिस ने हमें पकड़ा तो हमसे जुर्माने के तौर पे $100 ले दिए, ये गलत बात है, हमें जेल में भी रखा और $100 ले दिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $200 ही बचे हैं अब। सो गाइस अरे भैया आ गए ना हमारे गाड़ी के नीचे, गाड़ी बहुत मजबूत है, अरे हट जाओ भाई ऐसा लगा इस ने अभी गोली चली। तो हम लोग चलते हैं अंदर। अरे भाई हम लोग इतने काम कर रहे हैं और यहाँ पे सो रहे हैं, उठ भाई क्या कर रहे हैं। वाह उठ गया दोस्त, क्या हाल चाल है, क्या काम करके आ गए तुम। हाँ हाँ भाई मैं सारे काम करके आ गया, तुम बताओ और क्या काम करना है। Dumb Florida moron. Okay guys, मेरी उससे बात हो चुकी है और हमें जो है इसने एक लोकेशन, दो बंदों की लोकेशन दी है जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हमें उसको मारना नहीं है, बस उनको जो है ना थोड़ा धमकाना है और थोड़ा सा डराना है। मैं काम करता हूँ, मैं तो दूर वाले के घर से रहता हूँ, मैं करीब वाले के पास हूँ, तो उसके घर वापसी आने में ज़्यादा आसानी होगी।
दूर वाले के घर चले जाता हूँ। ओके ओके ओके, उसका अपार्टमेंट आ गया यहाँ पे अभी। भाई बंदा तो खतरनाक है। और अच्छा सही है, उसको उसकी उसकी गाड़ी हमें तोड़नी होगी ताकि वो हमारे सामने आए। भाई तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूंगा मैं, सामने आ जा, पूरी गाड़ी तोड़ देंगे आज, पूरी गाड़ी तोड़ देंगे, एक पुर्जा नहीं तोड़ेंगे। वैसे अगर सोचो आप एक बहुत खतरनाक बिजनेसमैन हो और आपकी ऐसी कोई गाड़ी तोड़ दे, आप क्या करो? भाई मैं तो उसको ख़त्म ही कर दूंगा भाई, पूरी गाड़ी तोड़ेंगे। लेकिन अभी मुझे अगर वो ख़त्म भी करने आएगा तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। मैं टूट जाए गेट, कितना मजबूत है, निकल जा भाई गेट निकालो। I can't believe this is happening. You know he's not guilty. गाइस ये वही बंदा है जिसकी गाड़ी है। और गाइस पहले बंदे को तो हमने डरा दिया है, अब दूसरे बंदे के पास चलते हैं, इसी गाड़ी ले चले हैं। खटारा गाड़ी है हमारी अपनी भाई, ये आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक है। रेंचर नाम है इसका, रेंचर पता नहीं है रेंचर से गाड़ी पहुंचती है, पहली बार नाम सुन रेंचर। अच्छा जो भी है खैर है, हम लोग चलते हैं जल्दी से सेकंड लोकेशन। सो ओके गाइस, हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं और यही है वो बंदा। अरे मैंने गाड़ी से कुछ ज़्यादा स्पीड में जंप लगा दी। सो गाइस हमें इसको मारना है। ओके मारने, अरे मारना इसको, अरे भाग रहा है ये, ओ निकल भाई। ओ शिट भाई, इसकी गाड़ी एक ट्रक से जाके टकरा गई और ट्रक से अटोरे नीचे गिर गए, हमारे पास ऑलरेडी अटोरे। अच्छा हमें इसको भी गाड़ी से बाहर निकालना है, इसकी गाड़ी को तोड़ना है। अरे दरवाजा ये पकड़ के निकाल देते हैं ना, पकड़ लिया भाई। Giorgio sends his regards. Shit, yaar. Oh, हमें इस काम के $400 मिले। मेरे ख्याल से $200 उसने दिए होंगे दोस्तों से। So, हम लोग एक काम करते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं। यार इसमें वो नहीं है, अरे मैंने गाड़ी पंचर तो नहीं करी थी, ये कैसे पंचर? अरे क्या पंचर गाड़ी चला रहे थे किसका फोन है? सो ओके गाइस, अब ये जो फ़ोन आया था ना, ये फ़ोन सनी का ही था। और यार जैसा कि आपको याद होगा, उसके पैसे हमारे पास थे, तो वो अपने पैसे वापसी मांग रहे और कह रहे हैं मुझे ये कहानियाँ नहीं सुनाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं और तुमने उठा लिए हैं। लेकिन अब मैं उसको कैसे बताऊँ कि हमारे साथ हादसा हुआ और हमें पकड़ लिया। और ये क्या, एक और बंदे का फ़ोन आ गया। Get to the payphone next to the mall in Washington. अरे भाई ये हमारे लिए कोई फोन आया है, चलो वहाँ बाद में जाएंगे, पहले हम लोग अपने दोस्त से ही मिल लेते हैं। दोस्त क्या कहता है भाई? अरे ये एक और बंदा भी यहाँ बैठा हुआ है। सो ओके गाइस, मेरी इनसे दोनों से बात हो गई है। वहाँ पे जो ये बंदा बैठा था, ये पता नहीं कौन ही था, इसका ही कोई था जो कि मदद करेगा हमारी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें जो है एक सूट पहनना है, एक ड्रेस पहनना है। और वहाँ पे ना एक वर्कर्स होंगे, तो वर्कर्स की पास जाना है हमें और वर्कर्स को मारना है। सही है, अब वर्कर्स को मारना क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड होंगे। अब जब हम वर्कर्स को मारेंगे तो एक भड्डा टाइप हो जाएगा, तो अगर भड्डा टाइप होगा ना तो, और गाइस की उसी वहाँ पे जो है ना, जो वर्कर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उसी की वो है कपड़े की ड्रेस उसी का है। सो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम लोग वर्कर्स को मारेंगे ना, भड्डा टाइप होगा, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो जेल के। अरे कहना क्या चाहते हो? बल्कि मैं वहाँ चल के आपको समझाता हूँ कि मामला क्या है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सो ओके गाइस, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और ये वही जगह है। ये क्या नाम है इसका भाई, इस जगह का नाम क्या है, स्प्रेंड एक्सप्रेस। एक सेकेंड, इस जगह का नाम है स्प्रेंड एक्सप्रेस। और यहाँ पे यही वो वर्कर्स है जो कि ओके गाइस, ये लोग यहाँ पे हड़ताल दे रहे हैं। ओके
तो अब मैं समझा गाइस, तो यहाँ पे जो है ना इन वर्कर्स को पता नहीं क्या हुआ है, इसी कंपनी के वर्कर्स हैं लेकिन ये लोग यहाँ हड़ताल दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी बार बार बोल रही है कि यहाँ पे ऐसा मत करो, ये गलत है, और यहाँ पे हमें बस फाइटिंग करवानी है तीन बंदों की। तो मैं, अरे भाई बंदा तो भाई खतरनाक है यार, बंदों को मारना है हमें, अलग अलग बंदों को मारना है। अरे नहीं भाई, ये तो मुझे ही मार देंगे। ओ भाई मुझे लग रहा है सारे, ओ क्या फाइटिंग हो गई सबके अंदर। तो गाइस अब मैं समझाता हूँ कि हमने फाइटिंग क्यों करवाई है। सो गाइस हमने इसलिए फाइटिंग करवाई थी क्योंकि अब ये यार ये लोग तो मेरे ही पीछे पड़ गए, अब मुझे करना क्या होगा। अरे मैं बस हटौड़ा था ना, आ जाओ आओ। ओ भाई भाई पांच बंदे चढ़ गए, आओ 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 सब आ जाओ, अरे पूरी गैंग आ जाओ। ओ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शिट हमें गिरा दिया, गिर लिया, हमें अभी निकलना पड़ेगा। अभी अभी हमें क्या करना है यार, काफी ज्यादा बंदे में एक साथ नहीं लड़ सकते इनसे। शिट तीनों यहाँ पे, तीनों का काम तमाम कर देता हूँ। ओ यस, हमने पांच छह बंदों को अकेले ही मार दिया। अब हमें क्या करना है, उस सिक्योरिटी गार्ड को मारना है, उससे पैसे लेने हैं, पैसे कह रहा हूँ सॉरी, उसके पास गन है वो लेनी है। तो हम लोग जल्दी से रश करके चलते हैं। ओ शिट हुआ, मैं गन से मार रहा, तो हमने डायरेक्ट उस पर फ्री फायर की तरह रश कर दिया और मुझे यहाँ से इसकी गन मिल गई। तो अब मैं बताता हूँ, एक गन क्यों ली है हमने, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप ये रेड कलर के बैरल से पल्स पे गोली मारने से ये गाड़ी गई। लेकिन अब मसला ये है कि ये रेड बैरल यहाँ से बहुत दूर है, तो अब हमें सबसे पहले तो इसको करीब करना पड़ेगा। और करीब हो जाए यार, अगर ऐसे नहीं हुआ तो मैं इसके इंजन पे नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऐसे फंस गया है ये। मैं थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करता हूँ, भाई नहीं हो रहा। तो अब मुझे लास्ट काम यही करना पड़ेगा कि इसका इंजन को तबाह कर देना पड़ेगा, जिससे इसके अंदर आग लग जाएगी। इसका फ्रंट मिरर भी गया, तो मैं इसमें लगातार मारते ही रहता हूँ इसके इंजन पे। अरे क्या मजबूत गाड़ी है भाई, इस पर तो एक खड़ोस नहीं आ रही, सिर्फ वही फ्रंट वही गया। ओ भाई गाड़ी तो है मजबूत, माना पड़ेगा भाई। एक सेकेंड, दरवाजा तो एक ही हिट में गया। ओ, ये फटे वाली है, मैं मर जाऊंगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। ओ हमने ये काम सक्सेसफुली करवा लिया और हमें इससे $1,000 मिले। और अब मुझे जो है सबसे पहले जाके अपनी हेल्थ को फुल करवाना होगा, और उसके लिए मुझे बेहतरीन चीज पता है जो कि है पिज्जा शॉप। What? पिज्जा शॉप। So guys, आप लोग रियल लाइफ में पिज्जा तो खाते ही होंगे, गेम में भी पिज्जा खाएंगे, और पिज्जा क्यों खाएंगे, हेल्पफुल करने के लिए। मुझे पहली बार में तो यकीन ही नहीं हुआ था सुन के कि हम लोग पिज्जा खा के हेल्पफुल करेंगे। लोग देसी चीज़ें खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी हो, यहाँ पे पिज्जा खाने से सेहत अच्छी होगी। अरे मुझे ऐसे नहीं करना भाई, मेरी हेल्थ बहुत कम है। मुझे फोन आ रहा है, रुको। Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Okay? Yeah. Good day, senor. Okay, guys. So, ye aapko yaad hi hoga ki hame ek apne तो हमारे दोस्त ने एक अमीर बंदे से हमें मिलने दिया था, वो गया भेजा था जो कि यार्ड थी जिसके पास अपनी पर्सनल। I'm hungry here. Here you go. तो गाइस हमने यहाँ पे पैसे देके खाना खा लिया है, और यहाँ पे हमें उसने अच्छे से खाना खिला दिया और हेल्पफुल हो चुकी है। तो गाइस आपको जैसे याद ही होगा कि हमें जो है एक मतलब हम लोग एक अमीर बंदे के पास गए थे जो कि बहुत ज़्यादा ही अमीर था और जिसकी पर्सनल याद था। अब उसने हमें फ़ोन करके स्पेशली बुलाया है, और हाँ एक और बंदे ने भी हमें फ़ोन करके बुलाया है स्पेशली। वो वाला बंदा जो कि उसके साथ नहीं बैठा था, अपने दोस्त के साथ जो बैठा था, जिसके लिए हमने एक काम करा है, कि जो हमने जो काम करा है ना इसी के बंदे के लिए करा, और इसने हमें $1,000 दिए। तो गाइस हम लोग जल्दी से चलते हैं पहले यार्ड अमीर तरीन बंदे के पास,
इसलिए ये भी कोई कम नहीं है, ये भी काफ़ी अमीर बंदा है। इसने एक काम के सिर्फ 3 गाड़ियाँ फाड़ने के $1,000 दे दिए हैं, जो कि काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से, सबसे पहले ओ भाई पुलिस वाले ने छलांग लगा दी। मैं होता पुलिस वाला ना, मैंने तो उस गाड़ी जिसने जैसे मैंने उसको ठोका है वैसे ही अगर मुझे किसी ने ठोका होता ना, मैंने उसके पीछे गड्डी निकालनी थी, उसके पीछे तक जाना था और उसको छोड़ना नहीं था। हमारे तेरे बाप को मत सिखा चल। वैसे वो बच गया, ऐसे बाल बाल बच गया सही टाइम पे भाई। पुलिस वाले तो उसके यहाँ पे काफ़ी फास्ट हैं। तो हम लोग बातें करते करते आप पहुँच भी गए और हम लोग फिर से टूटी फूटी गाड़ी मारे और उसकी गाड़ियाँ रंग गई। वो है भी घर पे या गया हुआ है। तो हम लोग अपनी गाड़ी को उल्टा सीधा पार्क करते हुए अंदर जाते हैं। अरे मैंने हाथ में वो भी रखा हुआ है, उससे बात कर लेते हैं भाई उसने क्यों बुलाया हमें, और वो हमें देख के खुश हो गया। सो गाइस उसने बोला है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। और इसका एक कॉम्पिटिटर है जो कि काफ़ी अमीर है वो भी, लेकिन वो इसके कॉम्पिटिटर है, इसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। और उसने बोला है कि उसको ख़त्म करना होगा, जिसके लिए वो हमें काफ़ी सारे पैसे देगा। तो उसने हमें उसकी लोकेशन बता दी है, तो हम लोग फटाफट उसकी लोकेशन में पहुँच जाते हैं। एक सेकेंड फाइनली गाइस तो फाइनली गाइस हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को रख देता हूँ आराम से। और हमें उसने ये खतरनाक सी भाई आरी दी है, किसी बंदे को एक सेकंड में मार सकती है। तो हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं और यहाँ पे यही वो बंदा है जिसको हमें ख़त्म करना है और यही वो उसका कॉम्पिटिट है, ये भी काफ़ी अमीर है। तो हमने जाके भाई डायरेक्ट चुप और ये भाग रहा है। यहाँ पे छलांग लगा, वही छलांग लगा, बच गया बच गया बच गया, इसको ख़त्म कर दो। ओ माय गॉड कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पीछे पुलिस लग जाएगी, इसके बॉडीगार्ड्स को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। कहाँ भाई बॉडीगार्ड? तो क्या देख रहा है भाई, एक बॉडीगार्ड और बचा है, उसको मैं दूर से गोलियां मार देता हूँ। भाई मरा नहीं, अबे भाई 4 गोलियां ले गया भाई, 4 गोलियां। तो हम लोग जल्दी से उतर जाते हैं और हम लोग ये बाहर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से एक गाड़ी में बैठो। हाँ भाई मैं अपनी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ये गाड़ी मुझे चाहिए भाई। वो शेट पुलिस वाले हमें फायरिंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक जगह है पेन पे, क्या है पता नहीं, नाम में सही से पढ़ नहीं पाया, जल्दी से वहाँ पहुँचने को कह रहे हैं। सही है भाई हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। ओ शेट यही तो पुलिस स्टेशन है, लेकिन हमें इस जगह पे नहीं जाना भाई, हमें दूसरी जगह पर जाना। और यही वो है, अरे मेरे ख्याल से ये तो वो जगह है ना जहाँ पर गाड़ियाँ रिपेयर होती है। ओ ये तो हमारा गैराज बंद कर दिया, ओ नाइस। अब मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, अरे गैराज मत खोलो। ओ इसने हमारी गाड़ी की पूरी लुकी, ओके ओके ओके, अगर हमारी गाड़ी अगर कुछ हो तो हम यहाँ से रिपेयर करवा सकते हैं। और हमें उसने पैसे भी दे दिए, गाड़ी भी दे दी और गाड़ी रिपेयर भी करवा के दे दी भाई, गाड़ी जो थी वो मस्त थी। सो गाइस आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative.